हिमाचल प्रदेश एनसीसी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर रोहित दत्ता ने दो दिवसीय कुल्लू दौरे के दौरान एनसीसी एयर विंग की गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भुंतर एयरपोर्ट में एयर स्ट्रिप और हैंगर निर्माण का भी निरीक्षण किया गया है। इस दौरान 1HP एयर स्क्वाड्रन कमांडिंग ग्रुप कमांडर SK शर्मा ने विभिन्न गतिविधियों के बारे में उन्हें अवगत करवाया। मैं खास इधर इसलिए आया था विजिट करने के लिए कि एयर स्क्वाड्रन को यहाँ पर हो गए काफ़ी साल, 12 साल से हमने यहाँ पर एक कोशिश करी है कि इधर से फ्लाइंग स्टार्ट करने की, और उस पर हम नाकाम रहे हैं। पिछले 4 साल से हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट भी आ गए हैं, पर वो अभी फ़िलहाल पड़े हैं पिछले 4 साल से पटियाला में, और हमारी फ्लाइंग जिस हिसाब से होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अप्रोच करा था कि भाई हमारे को फ्लाइंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट कराइए। एक हमारे जो रनवे है, रनवे के साथ एक एयर स्ट्रिप बनती है, छोटा सा टैक्सी वे बनता है, जहाँ हमारे जो 2 एयरक्राफ्ट हैं टैक्सी वे से एयर स्ट्रिप पर आएँ और फ्लाई कर पाएँ। वो हमारा पैसा रिलीज हो गया और काम स्टार्ट हो गया है। ये मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और DGCA का आभारी हूँ इसके लिए। अभी मेरी एक ही दरखास्त है, एक हैंगर बनना है जिसके लिए 60 लाख हमारे को स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज़ करना है, और वो जल्द से जल्द रिलीज़ करा जाए ताकि हमारे हिमाचल के जितने बच्चे हैं, अनफॉर्चुनेटली हिमाचल में कोई फ्लाइंग स्कूल नहीं है बिकॉज पहाड़ी इलाका है, एयर स्ट्रिप्स बहुत कम हैं, 2-3 ही हैं यहाँ पर मिला के। तो मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्द हमारे को ये जो हमारा हैंगर है इसको तैयार कर दिया जाए, क्योंकि रनवे और जो टैक्सी वे है वो अगले 3 महीने में तैयार हो जाएगा, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा तैयार होने का जब तक हमारा हैंगर तैयार नहीं होता है। तो इसके लिए छोटा सा 60 लाख रिलीज करना है। मैं कुछ दिन बाद CM और सेक्रेटरी एजुकेशन और मिनिस्टर जो हैं एजुकेशन के रोहित ठाकुर जी से मिल रहा हूँ, और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जल्द से जल्द हिमाचल के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, क्योंकि अग्निवीर स्कीम आ चुकी है, उनके भविष्य के लिए जल्द से जल्द हमारे को ये स्टार्ट कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा यूथ, जैसे हिमाचल है NCC बहुत पॉपुलर है यहाँ पर, हमारे पास ऑलमोस्ट 462 इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी एनरोल्ड हैं और 242 की वेटिंग लिस्ट चल रही है। अगर हम यहाँ पर NCC को गतिविधियों को आगे इसको हम बढ़ाएं, उसके लिए हमारे को एक NCC अकेडमी चाहिए। वो स्टेट गवर्नमेंट से मेरी बातचीत चल रही है, पंजाब में 2 हैं, हरियाणा में 1 ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है, हिमाचल में अभी कोई भी नहीं है, और काफ़ी सालों से 12-15 सालों से इसके ऊपर बातचीत ही चल रही है कि जल्द से जल्द कब स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही ये स्टार्ट होगी हमें एक्सपेंशन का बहुत मौका मिलेगा। हमारे पास रोज़ दिल्ली से चिट्ठी आती है कि आप NCC एक्सपेंड करें, पर NCC एक्सपेंड सिर्फ इंस्टीट्यूशन देना नहीं, उनकी ट्रेनिंग कराना भी है, जिसके लिए एक NCC एकेडमी और जैसे कुल्लू में एयरफील्ड है उसको अगर हम तैयार कर दें और जल्दी से जल्द इस पर करें, तो हम अब NCC को एक्सपेंड कर सके।